तो दोस्तों टॉकली टॉक्स की एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। और अभी आप सामने देख रहे हैं द न्यू एज बलिनो 2022 फेसलिफ्ट। तो यहाँ इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खड़ा है इसका अल्फा। तो अब अल्फा में बलिनो में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, ये सब बात हम करने वाले हैं। और जो चेंज हुआ है, चेंज अगर आप इसे दूर से भी देखते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में अगर आप देखेंगे तो जो हेडलाइट्स हैं वो थोड़ा क्या है, स्लिम सी, ट्रिम सी हो चुकी हैं, एक तरीके से छोटी सी हो चुकी हैं। और मतलब इतनी छोटी भी नहीं हुई, थोड़ा लेंथ इनकी बढ़ गई है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी क्या है, थोड़ा और स्पोर्टी हो गई हैं। तो सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ, इसमें जो है इस तरीके के नए आपको मशीन कट जो है 16 इंच के जो है एलॉय रिम्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि नए डिज़ाइन के हैं। वो पुराना वाला जो डिज़ाइन थोड़ा वेव शेप में देखने को मिलता था ना आपको, वो थोड़ा अब चेंज हो चुका है। सबसे पहले कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कलर ऑप्शन आपको इसमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो कलर की ऑप्शन बात कर देता हूँ मैं। जो आप देख रहे हैं सामने, ये ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क शेड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 5 और कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, रेड, साथ ही साथ ग्रे, सिल्वर और इसमें वाइट, और एक आता है इसका थोड़ा कॉपर शेड में बीच कलर। तो इस तरीके का आपको जो है टोटल 6 कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जो मेन काम जो बलिनो में अच्छा खासा इसमें कर दिया है वो है इसके वेट के इंक्रीमेंट में। वेट में जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 केजी का इंक्रीमेंट हुआ है, और 1410 केजी का जो अब इसका जो है ग्रॉस व्हीकल वेट रहता है। सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आप जेटा या फिर अल्फा लेते हैं उसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर वेस्ट वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 2-2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। तो इसके जो है आपको मैं सेफ्टी फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन इसमें क्या क्या मिलने हैं वो बता देता हूँ। 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ जो है एंटी पिंच वाली जो विंडो है ड्राइवर साइड, वो आपको डेल्टा वेरिएंट और सबसे बेस वेरिएंट से देखने को मिलती है। और इसमें और फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो है जियो फेंसिंग मिल जाएगी आपको, 360 व्यू वाला कैमरा आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को मिलता है। और 6 एयरबैग्स तो मिल ही रहे हैं, ABS EVD मिलेगा आपको, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिल जाते हैं अगर आप लेते हैं। और साथ ही साथ इस तरीके का रहता है पूरा इसके सेफ्टी फीचर्स। बाकी जो कॉमन से आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS EVD जो बेसिक से होते हैं, ये तो आपको इसमें फंक्शन मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप इसके बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो इसमें सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये बलिनो में। ज़्यादातर जो मेन जो काम रहता था ना वो जो है इसका वेट इंक्रीज करके कर दिया गया है, जो कि आप अभी फील भी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि डोर का जो थर्ड है वो कैसा सुनने को मिल रहा है। मतलब लग रहा है कि मतलब वो खड़खड़ाने की आवाज़, जैसे टीन के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है ना, वैसी आपको इसमें नहीं देखने को मिल रही है। तो आप जस्ट एक बार विजिट ज़रूर करिए, आपको बिल्ड क्वालिटी का मतलब एज अ फिजिकली पता लग जाएगा कि थोड़ा जो वेट का इंक्रीमेंट हुआ है वो जो किया है मेनली क्या है, वो डोरों में पता लगी जा रहा है इसके। अगर आप इसका फ्रंट का हुड भी उठाते हैं तो वो आपको इजीली जस्टिस हो जाएगा। अब जो चेंज हुआ है बलिनो में वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। जो लेंथ है इसकी, लेंथ मात्र आपको 0.5 सेंटीमीटर, 5 mm जो है लेंथ थोड़ी कम करी है, बाकी सब कुछ इसमें डायमेंशन सेम टू सेम है। और जो इसकी जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सेम टू सेम रहेगा। जो चेंजेस हैं अब उसकी तरफ चलते हैं, जो चेंजेस इसमें किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप ये चीज़ देखेंगे ना बलिनो की, जो नई बलिनो है, ये चीज़ आपको थोड़ा क्या है, जो पहले एकदम वो गोल सा डिज़ाइन था उसे थोड़ा क्या है और कर्व करके थोड़ा यहाँ से जो है ट्रिम कर दिया गया है। तो थोड़ा मतलब जो वो एरोडायनामिक वाला फील इसमें थोड़ा देने के लिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा ट्रिम किया है, तो थोड़ा मतलब पतली हो गई है। और लेकिन जो आपको जो सुजुकी का जो है आपको यहाँ जो बैज है वो थोड़ा और बड़ा देखने को मिलेगा। और वहीं जो ग्रिल देखते हैं आप, ये आपको जो क्रोम का जो है ये पार्ट, यह आपको डेल्टा वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ अगर आप देखें जो नई ग्रिल को इस तरीके से जो है आपको वेव डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब लग भी काफ़ी अच्छी रही हैं। और यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है ये काफ़ी आपको बड़ा देखने को मिलता है। और साथ ही अगर जो यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है इसमें आपको DRS देखने को मिलेंगी, और ये आपको जो है प्रोजेक्टर टाइप जो है हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती हैं। ये आपको बेस वेरिएंट सिग्मा से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, लेकिन वो येलो कलर की होती हैं, और डेल्टा तक फिर जाके ये जो है वाइट कलर की आपको जेटा और अल्फा में देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स आपको जो है यहाँ पे हेलोजन ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके की जो है, पहले यहाँ तक जो है जो हेडलैम्प्स थी वो ख़त्म हो जाती थी, अब वो थोड़ा स्लिम सी ट्रिम हो गई हैं। मतलब यहाँ से मतलब बहुत एक तरीके से
थोड़ा पतली हुई हैं और यहाँ से थोड़ा आगे को इसमें डिज़ाइन चेंज किया है। तो ये पूरा जो है हेडलैम्प्स पूरी चेंज हो चुकी हैं और ये प्रोफाइल थोड़ी आपको पतली सी देखने को मिलेगी और ये इस तरीके का रहता है। नीचे भी जो है आपको जो है फॉग लैंप्स वाइट LED में देखने को मिलेंगे और क्रोम का कुछ वर्क आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इसमें जो है अब 360 डिग्री कैमरे देखने को मिलेंगे आपको, चार कैमरे यहाँ पे फ्रंट में जो आपको दिखा दूँ, ये रहा इसका फ्रंट का कैमरा, बाकी अब मैं साइड में भी दिखाऊंगा आपको। साइड से अगर आप देखते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे रहने वाली है। अब बिल्ड क्वालिटी का पता आपको इसमें सिर्फ डोर से ही पता लग जाएगा कैसी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि डोर इसके मतलब खुद बयां कर रहे हैं कि भाई साहब हमारा वेट बढ़ाया गया है इसमें, तो ये सब बता रहे हैं इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा भी फ्रंट में अगर आप देखें तो इस तरह के जो आपको नए 16 इंच के मशीन कट आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील करा रहे हैं। यहाँ पे अपोलो का टायर है। सेक्शन बता दूं मैं आपको इसमें टायर प्रोफाइल क्या रहने वाली है, 195 65 आर 16 के यहाँ पे जो है टायर प्रोफाइल रहेगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं तो रियर में आपको जो है वही ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगी। सस्पेंशन भी बता दूं आपको, MacPherson आपको सस्पेंशन फ्रंट में और टॉर्जन बीम रियर में देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है कैमरा और यहाँ पे रहा इसका, तो मतलब चारों तरफ कैमरे दिए हैं तो मतलब पूरा 360 डिग्री ये वर्क करेंगे। बॉडी कलर जो है आपको ORBMs इसके डेल्टा वेरिएंट से देखने को मिलते हैं और जो इसका ए पिलर है और बी पिलर ये ब्लैक्ड आउट रहने वाला है, तो इस तरीके का रहेगा। और साइड में आपको दोनों तरफ दो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेंगे। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सब कुछ। क्रोम के जो है आपको हैंडल बार देखने को मिलेंगे। रियर में चलते हैं तो रियर में अब यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो टॉप फीचर्स तो मिलेंगे ही, क्रोम का वर्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है क्रोम की गार्निशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो क्वार्टर ग्लास है पहले जो है कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता लेकिन अब यहाँ से हो रहा है तो थोड़ा मतलब बड़ा सा भी लग रहा है इस तरीके से। और रियर में देखें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी उतनी रहने वाली है, वही 37 लीटर की। तो इस तरीके का जो है न्यू बलिनो का साइड प्रोफाइल रहता है। अब इसके जो है हम रियर में चलते हैं, रियर में आपको क्या देखने को मिलेगा, और जी एंटीना ऐसा वायर वाला देखने को मिलेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही, वो शार्क फिन आपको इसमें नहीं मिलता। रियर में चलें तो रियर में आपको टॉप वेरिएंट है तो सारे फीचर्स टॉप नॉच वाले मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो है वाइपर डिफॉगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिलती है यहाँ पे आपको जो है स्पॉइलर के साथ में। अब रियर में टेल लैंप्स देखें तो आपको वो होंडा की कारों में ज़्यादातर ऐसी देखने को मिलती थी, अब आपको इसमें लगेगा कि वैसी देखने को मिल रही। और जैसा DRLs आपको फ्रंट में देखने को मिल रही ना, ये तीन पॉइंट आपको जो है सेम टू सेम इसमें भी देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके की रहने वाली है। थोड़ा वो जो रियर में भी टेल लैंप्स हैं पहले जो बलिनो में यहाँ तक रहती थी, अब जो है यहाँ पर भी मतलब थोड़ा पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पीछे। रियर में देखें तो कैमरा यहाँ पे रहा तीसरा कैमरा, सुजुकी का जो है यहाँ पे लोगो इस तरीके का रहता है। आपको जो है यहाँ पे 4 पॉइंट जो अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो है इसका रिफ्लेक्टर रहा। बॉडी कलर आपको बम्पर देखने को मिलता है। तो रियर से कुछ ऐसी है, रियर में जो चेंज है वो आया है चेंज इसकी टेल लाइट्स में। टेल लाइट्स थोड़ा और स्पोर्टी कर दी गई हैं, इस तरीके की रखने वाली हैं आपको। अभी मैं इसको आपको जला के भी दिखा दूंगा। बलिनो अगर आप देखते हैं तो बलिनो लिखा हुआ थोड़ा इंक्लाइन में ऐसा हो गया है, अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बलिनो लिखा हुआ भी थोड़ा स्टाइलिश फील कराता है, तो यहाँ पे रियर में रहा। अब बूट स्पेस की ओर चलें तो बूट स्पेस जो है आपको इसमें थोड़ा कम हुआ है बूट स्पेस, तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर में दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा क्या है। लेग स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा ओल्ड बलिनो के कंपैरिजन में, ये इसका जो है 318 लीटर का जो है बूट स्पेस देखने को मिलता है। ये पार्शियल ट्रे दी गई है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो बूट स्पेस की जो डेप्थ है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 इंच आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है आप डीपली सामान आप इजीली रख सकते हैं। और नीचे जो है आपको स्पेयर टायर देखने को मिलेगा स्टील रिम के साथ में अपोलो का। तो ये रहा इसकी प्रोफाइल R15 रहने वाली है जो कि वहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके जो है हम इंटीरियर में चलेंगे, यहाँ से तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये चीज़ें अगर मैं ये आपको बंद करके दिखाऊँगा ना आपको पता लग जाएगा कि बिल्ड क्वालिटी में कहाँ कहाँ काम किया गया है। ये देखिए ये चीज़ आपको दिखाई मैंने, अब मैं एक डोर बंद करके और दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए आवाज़ से आप पहचान लेंगे कि बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादातर कहाँ काम किया है, मतलब जो वेट बढ़ाया है ना इसका 50 से 60 70 किलो जो कहीं भी बढ़ाया है तो वो आपको ज़्यादातर पता लगेगा कि इसके डोर्स पर ही बढ़ाया गया है। आपको हुड भी काफ़ी भारी भरकम देखने को मिलता है। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी रहती है न्यू बलिनो की। अब इसके जो है चलते हैं इंटीरियर सेक्शन की ओर, इंटीरियर में क्या क्या फ़ीचर आपको इसमें दिए गए हैं।
तो दोस्तों ये रही बलिनो का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जो है की इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। और वैसे जो है आपको बेस से ही आपको जो है सेंट्रल लॉकिंग की में इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले जो है की मैंने अंदर रख दी है, सबसे पहले आपको मैं इसमें लाइटिंग दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी अगर आप ये देखते हैं। इसमें मैं आपको एक बार हैजार्ड भी जला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो है आपको हैजार्ड सिस्टम आपको जो इसमें लाइटें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ अगर आप फ्रंट से देखें तो यहाँ पे इस तरीके का रहने वाला है इसका पूरा लाइटिंग सेटअप। एलईडी में आपको जो है ये इसके डीआरएल्स रहेंगे और हेलोजन ये इसके इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। फोक लैंप्स भी आपको जो है इसमें फुली एलईडी वाइट कलर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का रहता है इसका लाइटिंग सेटअप जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे रहेंगे और रियर में चलें तो रियर में जो है ये आपको इस तरीके के ये हेलोजन ही देखने वाले हैं। तो इस तरीके का जो है जो नया जो कॉस्मेटिक चेंज है मेनली जो किया गया है वो लाइट्स पे किया गया है। रियर टेल लैंप्स और फ्रंट की जो है हेडलाइट वो भी आपको चेंज देखने को मिलेंगी। और मेनली थोड़ा क्या है पीछे से जो पीछे से और स्पेशली आगे से जो थोड़ा गोल सा डिज़ाइन था उसे और एक तरफ एजी सा कर दिया गया है। और अब चलें इसके इंटीरियर सेक्शन की और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइटें ऑफ और इसके हैजार्ड लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि बैटरी लो ना हो। और सीटों का मैं आपको बताता हूँ, सीटें भी थोड़ा चौड़ी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसमें बात कर दें, इसमें आपको जो है आपको इंडिगो वो आपको ऐसा टाइप का जैसे आपने कारेंस में देखा था लेकिन ये नेवी ब्लू टाइप में जो है आपको इंटीरियर देखने को मिलता है ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। ये आपको थोड़ा ग्लॉसी पार्ट देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में और साथ ही साथ ये आपको थोड़ा सॉफ्ट टच, यहाँ आप बोतल होल्डर कुछ भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ चार स्पीकर मिलेंगे आपको और 9 इंच का जो है टच स्क्रीन मिलता है, उसकी अभी बात करेंगे हम। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्रोम में मिलेगी और इसमें जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको ORBMs इसके जो है एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको डेल्टा से देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो ये सारे कंट्रोल्स रहते हैं। सीट की बात करें आपको जो है इसमें वही फाइबर टाइप में देखने को मिलेगी सिंपल सी, आप क्या है इस तरीके से क्या इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ये चीज़ है आपको थोड़ा क्या है और बकेट फील मतलब सीट जो है काफ़ी और थोड़ा वाइड सी कर रखी है। और जो हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट सबसे बढ़िया लगते हैं मेरे को स्पेशली नेक्सा जो भी गाड़ी आती है इग्निस या फिर बलिनो काफ़ी बड़े देखने को मिल जाते हैं, इतने बड़े तो मतलब 6 से 6.5 फुट का भी आदमी इसमें बैठता है ना आराम से अपना हेड इसमें एडजस्ट कर सकता है। अब चलें इसके इंटीरियर में बात करते हैं तो इंटीरियर कुछ ऐसा रहता है इसका। इंटीरियर में बात करेंगे सबसे पहले तो लाइट हम ऑन कर लेते हैं। ये चीज़ मेरे को मतलब यार इतना टॉप ऑफ द लाइन वे आप वेरिएंट में आप ये येलो तो क्यों दिया आपने, वाइट कर देते काफ़ी अच्छा मज़ा आता। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इसमें क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ जो है आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे तो जो है अनफोल्ड हो जाएंगे मिरर और यहाँ से आप इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार और प्रेस कर देता हूँ मैं तो इस तरीके से आप क्या है इसको फोल्ड अनफोल्ड आप करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो है 360 डिग्री कैमरा का व्यू देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इतनी बड़ी सी आपको ये स्क्रीन देखने को मिलती है और एक बार GoPro में पता लग रहा है नहीं लग रहा ये चीज़ आपको ग्लॉसी मिलता है और लग भी काफ़ी अच्छा रहा है। और आर्कमेज का ये म्यूजिक सिस्टम है पूरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भाई साहब आपको बेस से देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। और साथ ही इसमें क्या है आपको 6 एयरबैग्स इसके जेटा से देखने को मिल जाते हैं, बाकी ये ग्लव बॉक्स ये तो साइज़ सेम टू सेम रहता है। और डैशबोर्ड के अंदर की क्वालिटी भी मतलब इम्प्रूव हुई है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये चीज़ जो इम्प्रूव करी गई है। लेकिन जो स्टेयरिंग है ये टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों तरह एडजस्ट हो जा रहा है, इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसे थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये एनालॉग मिलेगा, ये आपको TFT मिलता है लेकिन ये इसमें आपको लाइट जल जाती है जैसे अगर आप ऑन करते हैं। तो ये अगर फुली डिजिटल हो जाता है क्योंकि एडवांस होगी ये सारी चीज़ें तो ये भी एडवांस हो जाना चाहिए था, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में तो हो ही जाना चाहिए था। लेकिन वही है ना इंडियंस हैं हम, दिल मांगे मोर, तो ये थोड़ा और मोर होता तो अच्छा लगता। बाकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, आपको टॉप नॉच फीचर मिलेंगे। आपको जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक लेंगे तो आप डेल्टा से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक AMT का ऑप्शन और 50,000 रुपये ज़्यादा मैनुअल के कंपेरिजन में आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर USB का देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है भाई साहब। और यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा एडजस्टेबल है, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, ये चीज़ आपको जो है थोड़ी लेदर फिनिश में देखने को मिलती है शायद। और जो स्टिचिंग है ये आपको जो है आपको पूरा लेदर रैप आपको स्टेयरिंग देखने को मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा, वैनिटी मिरर यहाँ पे
देखने को मिलता है दोनों साइड में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी जो इसमें जो है हेड अप, जो हेड्स अप डिस्प्ले है, वो मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑन होती है। अब देखें ऑन होती भी नहीं है कि कैसे होती है, तो फटाफट से इसमें जो है इस तरीके की जो है हेड्स अप डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो आपको इसमें सब बताती है, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा पता नहीं लग पा रहा होगा आपको, लो फ्यूल जस्ट क्या है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, दूसरे फोन से दिखाता हूँ फटाफट। रही दोस्तों हेड्स अप डिस्प्ले, यहाँ पे अगर आप देखें क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है अभी ये बता रहा है 0 किलोमीटर और टाइम भी दिखा रहा है। तो इस तरीके की जो है इसकी हेड्स अप डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। बाकी इसमें और फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ इसकी जो है हेड्स अप डिस्प्ले ओपन हो जाती है, जैसे आप ऑफ करेंगे तो ये इस तरीके से ऑफ भी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखी होगी आपने इसकी हेड्स अप डिस्प्ले, इस तरीके का इसका इंटीरियर रहता है और टेल टेलीस्कोपिक दोनों तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टेरिंग। और यहाँ पे थोड़ा ग्लॉसीनेस, मतलब अल्फा वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट आप देख ले रहे हैं यहाँ पे 8.99 एक्स शोरूम प्राइसिंग देखे, तो थोड़ा प्रीमियमनेस तो देना बनता ही है। तो ये आपको थोड़ा ग्रे ग्लॉसी में देखने को मिलेगा। टेलीफोनी के कंट्रोल्स आपको इसमें मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, और यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा रहता है इसका इंटीरियर। अब मैं इसका पीछे चलता हूँ कि कितना स्पेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ बेसिक सा था, बाकी ये आपको बड़ी सी 9 इंच की जो है आर्कमेस की जो है टच स्क्रीन देखने को मिलती है, और साथ ही आपको जो इसमें 360 व्यू वाला कैमरा तो देखने को मिल ही रहा है। एक बार मैं और ऑन करके इसमें आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब जैसे ही बैक गियर अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है, आपको बैक का व्यू ऐसा देखने को मिलेगा और टॉप का व्यू कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको, ये सब बता रहा है आपको। अब थोड़ी सी क्वालिटी, मतलब थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, मेरे हिसाब से, लेकिन जो 360 व्यू कैमरा है ना, ये काफ़ी मतलब बहुत एडवांस चीज़ है, सफारी तक में नहीं मिलता शायद ये। तो इस तरीके का रहता है इसका पूरा इंटीरियर का। अब चलें इसके रियर सेक्शन की ओर में, रियर में चलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है भाई साहब, इसमें बता दूं मैं आपको, और डेल्टा से ही मिलेगा आपको ये, डेल्टा क्या सिग्मा में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप चलें इसके रियर सेक्शन की ओर, रियर में जो फ्रंट की सीट है, मैं फटाफट से एडजस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, देख सकते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग जो इसे एडजस्ट कर ली थी। तो यहाँ जो है ये आपका इसमें जो चाइल्ड लॉक यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है ऐसा तब ओपन होगा। तो यहाँ पे देखा जाए जो बूट स्पेस कम हुआ है ना, जो पहले 359 लीटर का था वो 318 लीटर का हो गया, तो यहाँ उसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं मिलता रियर के लिए, और सीटें जो हैं स्पेस बहुत है भाई साहब, इनफ स्पेस है। बड़े से बड़ा आदमी मतलब 6.5 फुट का भी बैठता है ना, 2 आदमी इसमें ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल आप देख सकते हैं। और इसकी जो हाइट है, हाइट में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो देख सकते हैं हेडरूम इतना देखने को मिलेगा। तो आपको वही बेसिक सी हाइट जो पहले आती थी वही देखने को मिलेगी। जो चेंजेस है मेनली वो आपको जो है थोड़ा लेंथ में कम किया है बस, और थोड़ा लेदर टाइप में जो है यहाँ पे आपको लेदर नहीं अपॉलिस्टी जो है यही आपको रहेगी इसकी, सॉफ्ट टच में ये इस तरीके का देखने को मिलता है। तो रियर में आपको जो AC वेंट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर USB और टाइप C के एक एक पोर्ट दिए गए हैं। तो इस तरीके का रहता है इसका पूरा इंटीरियर का। इंटीरियर में सीटें भी थोड़ी सी मतलब चौड़ी करी हैं, यहाँ पे बकेट फ्लोर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे आप। तो रियर का व्यू अगर आप मैं दिखा देता हूँ, तो डैशबोर्ड का कुछ ऐसा रहता है इंटीरियर का व्यू। तो यही थी दोस्तों द न्यू बलिनो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की वीडियो जो कि आपने देखी। तो ये इसका अल्फा था, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन है, और जिसकी जो प्राइस है स्टार्ट हो रही है एक्स शोरूम 8.99। बाकी अगर आप इसका ऑटोमेटिक टॉप में लेना चाहते हैं तो 9.49 एक्स शोरूम आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। तो बाकी इस तरीके का था पूरा आपको देखने को मिला, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या इस प्राइस पॉइंट पे आप बलिनो का टॉप वेरियंट लेना पसंद करेंगे, या फिर सब 4 मीटर SUV भी आती है इस प्राइस पे वो लेना पसंद करेंगे। तो ये सबसे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको 9 इंच की जो है डिस्प्ले मिल जा रही है, और बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे न्यू मशीन कट आपको 16 इंच के जो है अलॉय रिम्स देखने को मिल जा रहे हैं। ये लेना पसंद करेंगे 8.99 में, या फिर जो है नेक्सॉन XMS भी आती है भाई साहब सनरूफ में पेट्रोल में,
क्या वो लेना पसंद करेंगे। वेन्यू भी आती है, ब्रेजा तक आती है इस प्राइस पॉइंट पे एक शोरूम के, तो कौन सी लेना पसंद करेंगे ये ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।